कौन हूं, कहां रहता हूं, कैसा हूं इत्यादि इत्यादि, ये उपासना की महिमा है, भक्ति की महिमा है। इन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया, ना राम को दिया है ना सीता को दिया है, भली भांति जानती हैं ये दोनों कौन है। लक्ष्मण रास्ते में मिल गए हैं, वन यात्रा के लिए तैयार, तो उन्हें उपदेश दे दिया, लक्ष्मण तुम मेरे राम के साथ जा रहे हो और जगजननी सीता के साथ जा रहे हो। सर्वप्रथम राम को अपने पिता समान मानना और सीता को मां के समान मानना। कहीं स्वप्न में भी तू राग, रोष, ईर्ष्या, मद एवं मोह के वशीभूत ना होना। स्वप्न में भी लक्ष्मण उसी वक्त निर्णय लेता है, सोऊंगा तो स्वप्न आएगा, यदि सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा। 14 वर्ष तक माते मैं नहीं सोऊंगा, ताकि ये स्वप्न की अवस्था ही मेरे ऊपर ना आए। आपने कहा है ना, स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होना, मैं सोऊंगा ही नहीं तो मुझे स्वप्न कहां से आएगा, मैं नहीं सोऊंगा 14 वर्ष तक। मां सुमित्रा अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण को समझाती है, राग से क्या अर्थ है, रोष से क्या अर्थ है इत्यादि इत्यादि, इन सब शब्दों की व्याख्या करती है। बड़े संक्षिप्त रूप से साधक जनों सुनिएगा, व्याख्या करने का बिल्कुल समय नहीं है। राग रहित होना, राग के वशीभूत नहीं होना, मानो तेरे लिए सब कुछ राम है। मुझे भूल जाना, उर्मिला को भूल जाना, मां कुशल्या को याद नहीं करते रहना, दशरथ मर गए हैं उनको याद नहीं कर जाना, मर रहे हैं उनको याद नहीं करना, इन सबको भूल के एक ही है तेरे लिए। लक्ष्मण कहीं जाके कहता भी है, मैं किसी को नहीं जानता महाराज, मेरे सब कुछ आप हो, मेरे माता पिता तात सखा भाई सब कुछ मेरे आप हो, मेरा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं। ये लक्ष्मण की महिमा है। राग रहित, राग के वशीभूत नहीं होना, कहीं वहां जाके हमारी किसी की याद आ जाए ऐसा स्वप्न में भी ना हो, केवल राम एवं सीता, बस यही है तेरे लिए सब कुछ, तेरा सारा राग तेरा सारा अनुराग इनके प्रति ही हो, हमारे प्रति लेश मात्र भी नहीं। तेरा स्वभाव है कुछ इस प्रकार का लक्ष्मण, तू बहुत जल्दी रुष्ट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तुझे, तेरा गुस्सा तो उचित होता है, तेरे गुस्से को राम भी अनुचित नहीं मानते, कोई अनुचित नहीं मानता, हम भली भांति जानते हैं तेरा गुस्सा बहुत उचित गुस्सा है, लेकिन वहां जाके ये उचित गुस्सा भी ना करना, ये रोष भी नहीं आना। कहीं तू सोचे ये राम जो मुझे आज्ञा दे रहे हैं या सीता जो मुझे आज्ञा दे रही है ये अनुचित है, ये प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है, तो इसके बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति कभी स्वप्न में भी लक्ष्मण ना आए। स्वभाव है देवियों सज्जनों लक्ष्मण का इस प्रकार का। आप देखिए मंथरा जिस वक्त कैकेयी के पास गई है तो कुछ उल्ट पुल्ट सी बात कर रही है। कैकेयी ने सबसे पहले पूछा, क्या लक्ष्मण ने डांटा है तुम्हें, क्यों उल्ट पुल्ट बात कर रही है। मानो लक्ष्मण से प्रायः मंथरा को डांट पड़ती रहती है, औरों को भी डांटते होंगे, वह किसी को स्पेयर नहीं करते, कुछ एक दो को छोड़ के लक्ष्मण ने किसी को स्पेयर नहीं किया। बहुत बड़े आलोचक हैं श्री रामायण जी के, कभी समय लगा तो चर्चा इस बात पर करेंगे। आज रोष नहीं आना, गुस्सा नहीं लाना, वहां इनके श्री चरणों में विराजमान रहना, इनकी सेवा करते रहना, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, इष्ट कहें अनिष्ट कहें, ये तेरा जानने का विषय नहीं है, तू केवल सेवा कर। उन्होंने ठीक कहा है या गलत, ये तेरा जानने का विषय ही नहीं है, तूने इनकी सेवा करनी है, जो ये कहें उसे करना है, चाहे राम कहें चाहे उनकी
अभिन्न जगजननी मां सीता कहे हैं, तुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है, इनकी सेवा करनी है, रोष स्वप्न में भी ना आए। कहीं तू ये सोचने लग जाए जैसा मैं राजकुमार वैसा ही ये भी राजकुमार, मैं इसकी सेवा क्यों करूं, इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है। स्वप्न में भी लक्ष्मण तेरे अंदर ईर्ष्या का भाव जो है वह आना चाहिए। ठीक है माते, कहीं ये समझने लग जाए ये सेवा मुझे मिली है इसलिए मेरे अंदर कुछ ना कुछ होगा। भरत को क्यों नहीं मिली, शत्रुघ्न को क्यों नहीं मिली, इतने बड़े बड़े महान मंत्री इत्यादि हैं वहां पर, उनको क्यों नहीं मिली, कहीं ये मद भी तेरे अंदर स्वप्न में ना आए। लाख लाख शुक्र करना उस परमेश्वर का, ये राम की कृपा है कि ये तुझे सेवा मिली है। वह किसी को भी दे सकते थे, भरत को बुलाया जा सकता था इस सेवा करने के लिए, वह भी तैयार होता, वह अभी भी तैयार है। आपने देखा आज पड़ा है, वह भी तैयार है, मैं भी यही रहूंगा महाराज, जहां लक्ष्मण रहेगा मैं भी वही रहूंगा, वह भी सेवा करने के लिए तैयार है। कहीं तेरे अंदर ये मद भूल से भी स्वप्न भी तेरे अंदर ना आए। अपनी ऐसियत ना भूल जाना, अपना वास्तविक स्वरूप ना भूल जाना लक्ष्मण, तेरे अंदर मोह ना आए। ये मोह जिसे आप जानते हो वह तो ये है ना, अपने घर गृहस्थी के लोग जो हैं इन्हीं के लिए सब कुछ करना, इन्हीं का अपमान सहना, इन्हीं के लिए चोरी करनी, इन्हीं के लिए बेईमानी करनी, इन्हीं से राग रखना, इन्हीं से सब कुछ करना, इसे मोह कहा जाता है सारे संसार को छोड़ के। लेकिन संत महात्मा एक मोह की बड़ी गहरी परिभाषा बताते हैं, वह ये जो सत्य को असत्य बताए वह मोह, और जो असत्य को सत्य बताए वह मोह। विभ्रांति की स्थिति इसे मोह, उल्ट पुलट वाली स्थिति इसे मोह। कहीं तो भूल जाए अपने स्वरूप को तो ऐसा ना करना, अपनी ऐसियत को लक्ष्मण नहीं भूलना। क्या है तेरी ऐसियत, तू एक नौकर है और वह तेरे स्वामी है।